कुर्ता कली दार है यार। ओके अंकुल यार, मुझे एक निवेदन करना, मुझे अभी कहीं जाना है जरूरी काम से। तो पहले मैंने निवेदन किया था, आपने कहा था कि इस विधेयक के बाद इसको लेंगे, या क्या? पर मेरा अनुरोध है, आपको कोई अर्जेंसी है? जी सर, जी सर, सर इसीलिए निवेदन कर रहे हैं। क्या है, बोलिए। सर, सरकार तो चाहती थी, लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे, लोकसभा ने इसको भारी बहुमत से पारित भी किया। जब इस पर चर्चा होने लगी तो राय ये आई थी कि नहीं, या तो इसको सिलेक्ट कमेटी पर भेजा जाए या बाद में लिया जाए। तो मैं सिलेक्ट कमेटी के लिए अनुमति से सिलेक्ट कमेटी के लिए एक प्रस्ताव करता हूं। नो, लेट मी, ओके, अंडरस्टूड। यू वांट द मूव टू सेंड इट, सेंड द बिल फॉर एंड मोशन मूव, या आई थिंक हैव ए ब्रेक फॉर दिस, फॉर सेंडिंग द सिलेक्ट कमेटी। ओके, यू कैन मूव। महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्न प्रस्ताव करता हूं कि संविधान 123वें संशोधन विधेयक 2017, जो संविधान में नया अनुच्छेद 338 ख शामिल कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने विषयक है, जो लोकसभा द्वारा पारित है, को राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, जिसमें निम्न सदस्य होंगे: श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री चुन्नीभाई कांजीभाई गोहेल, डॉक्टर विकास महात्मे जी, श्री रामनारायण डूडी जी, श्री बी के हरिप्रसाद जी, श्री मधुसूदन जी मिस्त्री, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री हुसैन दलवाई जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, श्री शरद यादव जी, श्री सुखेंदु शेखर राय जी, श्री ए नवनीत कृष्णन जी, श्री सतीश चंद्र मिश्र जी, श्री टी के रंगराजन जी, श्री दिलीप कुमार तिरके जी, श्री सी एम रमेश जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्रीमती कनीमोजी जी, श्री अनिल देसाई जी, श्री नरेश गुजराल जी, मीर मोहम्मद फैयाज साहब, श्री विश्वजीत दायमरी जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्री स्वप्नदास गुप्ता जी, श्री राम कुमार कश्यप जी। यह समिति राज्यसभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन से पूर्व अपनी रिपोर्ट देगी। ओके, नाउ motion moved that the bill further to amend the constitution of India as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Bhupender Yadav, Sri Chunibai Kanjibai Goel, Dr. Vigyas Mahatme, Sri Ramnarayan Dudi, Sri B.K. Hariprasad, Sri Madhusudan Misri, Sri Digvijay Singh, Sri Hussain Dalwai, ప్రొఫెసర్ రామ్ గోపాల్ యాదవ్, శ్రీ శరద్ యాదవ్, శ్రీ సుగేందు శేఖర్ రాయ్, శ్రీ ఏ నవనీత్ కృష్ణన్, శ్రీ సతీష్ చంద్ర మిశ్ర, శ్రీ టీకే రంగరాజన్, శ్రీ దిలీప్ కుమార్ టిర్కీ, శ్రీ సిఎం రమేష్, శ్రీ ప్రఫుల్ పటేల్, శ్రీమతి కనిమొళి, శ్రీ అనిల్ దేశాయ్, శ్రీ నరేష్ గుజరాల్, శ్రీ మొహమ్మద్ ఫయస్, శ్రీ బిశ్వజిత్ డైమేరి, శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, శ్రీ స్వపన్ దాస్ గుప్తా, శ్రీ రామ్ కుమార్ కాశ్యప్, విత్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు రిపోర్ట్ టు ద రాజ్యసభ బై ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. దోస్ ఇన్ ఫైర్ ప్లీజ్ సే హాయ్, దోస్ అగైన్ ప్లీజ్ సే నో. ఐ థింక్ ది ఐస్ హావ్ ఇట్ ద మోషన్ ఈస్ అడాప్టెడ్. నౌ మెసేజ్ ఫ్రమ్ లోక్సభ, ఆఫ్టర్ దాట్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ లోక్సభ. ఐ బెగ్ టు రిపోర్ట్ దట్ ద హౌస్ దట్ ద లోక్సభ ఎట్ ఇట్స్ సిట్టింగ్ హెల్డ్ ఆన్ ద 11th ఆఫ్ ఏప్రిల్ 2017 అగ్రీడ్ విదౌట్ ఎనీ అమెండ్మెంట్ టు ద హ్యూమన్ ఇమ్యునో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అండ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ బిల్ 2017 విచ్ వాస్ పాస్డ్ బై రాజ్యసభ ఎట్ ఇట్స్ సిట్టింగ్ హెల్డ్ ఆన్ ద 21st ఆఫ్ మార్చ్ 2017. So we get back to the bill. Sri Basawaraj Patil. Manyavar Upasabhapati ji, yah jo kaam karne ke samay ke vistar ke bare mein jo baatein abhi tak maine suna, ye baat sach hai ki Bharat ke andar bahut badi sankhya mein yuva hai, bahut badi sankhya mein berozgar log hai, parantu
किसी आदमी की काम करने की कर्मठता और क्षमता को कम करना ये भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर देश के युवाओं को रोजगार देने की बात जहां तक है, मैं इस बिल को समर्थन करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर अपनी नीतियों में कुछ पिछले 60-70 सालों में ऐसी गलत नीति बने हैं जिसके कारण टोटली हम इंडस्ट्री के पीछे जाकर लेबर 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 बात किए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, भारत के अंदर अगर अच्छी आर्थिक नीति बनेगी तो भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे उद्योग के द्वारा, घरेलू उद्योग के द्वारा, कृषि आधारित उद्योग के द्वारा मालक ज़्यादा बनेंगे, लेबर कम बनेंगे। जब तक इस प्रकार की नीति इस देश में नहीं आएगी और केवल लेबर को सबको बनाने का जो सोच है, देश की जनता को मालक बनाने के बदले, मैं मेरे जीवन में कम से कम 7 लाख विद्यार्थियों से मैंने संवाद किया है। विद्यार्थियों से मैं पूछा करता था, बड़े बनकर तुम क्या देने वाले बनना चाहते हो कि मांगने वाले बनना चाहते हो? तो बच्चे कहते हैं कि हम देने वाले बनना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, आज़ादी के बाद या इस यूरोप से आई हुई ट्रेड यूनियन के कारण आज हमारे देश के अंदर हम सभी को नौकर बनाना चाहते हैं, जो नौकरी मिलने को साध्य नहीं है। कितना भी सर पटके, 100 में 8 से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे परिस्थिति में हैसो कर्मठता को भी समाप्त कर केवल नाम के लिए तनख्वाह देकर फैक्ट्रियों को, उद्योगों को लाश में लाना ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए माननीय उपसभापति जी, देश के हित में अगर आदमी काम करने के लिए तैयार है, देश के हित में काम की आवश्यकता है, अगर उसकी समय की अवधि बढ़ाई जाती है तो ये इतिहास में कोई गलती नहीं माना चाहिए। और इस अच्छे विचार को लेकर, इस परिवर्तन को लेके आया गया है। इसीलिए मान्य उपसभापति जी, मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप देश के हित के अंदर हम अपने इस प्रकार के नीतियों को लाए जो सब लोग मालक बने। और After 6 p.m. I will put the question to the house. You say so now. That we are very, very clear. No, at 6 p.m. I will put the question. The consensus. At 6 p.m. I will put the question. No, I will put the question. I will put the question at 6. There is 1 more minute. No. You put the question. 1 more minute you speak. I will put the question. Don't worry. So you see. No, 1 more minute at 6 p.m. I will put the question. No, yesterday also I did it. Yesterday also I did it. May. इस बिल का समर्थन करते हुए और ये मांग करता हूँ कि हमारी नीतियों में सरकार थोड़ा एक नई दिशा में। ओके, इट इज 6 पीएम। आई वांट टू नो वेदर देयर इज कंसेंसस फॉर एक्सटेंशन। दैट इज योर पॉइंट। नो कंसेंसस। देयर इज नो कंसेंसस। सो आई विल एक्सप्लेन। यस, नो कंसेंसस। Yes, accepted. No consensus, so I am going to the adjourned house. Okay, no consensus. So special mention also cannot be. No consensus. Give me. No. House stands adjourned till 11 hours on Wednesday, the 12th April 2017.